हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन कितनी कॉमन बीमारी है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। फिर स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन से। तो इंडिया में यार अराउंड 8-10% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मतलब अराउंड 12-15 करोड़ लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और मोस्टली उसमें एडल्ट्स और स्टूडेंट्स ही हैं जो इस डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फिर इसमें होता क्या है, तो यार इसमें काफी सारे मतलब आदमी को एंजाइटी हो रही होती है, एक थॉट्स नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो काफी सारे थॉट्स जब स्ट्रेस एक क्रिएट होता है, मतलब एक माइंड में स्ट्रेस क्रिएट होता है आदमी के, तो स्ट्रेस की वजह से एक डिप्रेशन का एक फेज एपिसोड स्टार्ट हो सकता है। साइकेट्रिक की सबसे कॉमन बीमारी है डिप्रेशन, अगर हम साइकेट्रिक उससे देखें। तो यार डिप्रेशन होता क्यों है, मतलब क्या रीजन है इसका। यार काफी सारे लोग होते हैं जिन पे कांस्टेंट किसी चीज को लेके स्ट्रेस होता है माइंड में, अगर वो स्ट्रेस काफी लंबे टाइम तक टिकता है तो यार वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी को किसी मतलब डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट पर्सन को हो सकता है, या फिर किसी की डेथ हो गई हो, या फिर किसी की जॉब छूट गई हो, या फिर कोई किसी चीज में फेल हो गया हो, तो उसके माइंड पे एक स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से यार अगर वो कांस्टेंट स्ट्रेस अगर काफी दिनों तक उसके माइंड पे बना रहे तो वो डिप्रेशन की फॉर्म ले लेता है। तो यार इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो यार इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। मतलब काफी सारे लोग कहेंगे कि यार कुछ नहीं हुआ तेरे को, मतलब एक साइकेट्रिस्ट पे आने की क्या जरूरत है, ये तो छोटी सी बीमारी है ठीक हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट वो यार सफर कर रहा होता कहीं ना कहीं। तो यार इस केस में यार उसको बिना किसी के सुने एक साइकेट्रिस्ट पे जरूर जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को मतलब ठीक कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका डे रूटीन को डिस्टर्ब करती है, उसकी एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं डिक्रीज करती है। तो यार काफी सारे लोग अलग अलग राय देंगे, तो मैं तो यही कहूंगा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अच्छे किसी साइकेट्रिस्ट को अपने नियर बाय सर्च करो और उससे अपॉइंटमेंट लो, और हो सके तो अगर डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा है तो यार एक साइकोलॉजी से भी आप मिल सकते हो जो आपको हेल्प करेगा डिप्रेशन से क्योर होने के लिए। तो यार इसका मतलब ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, मतलब ये नहीं है कि 10-15 दिन दवाई खा के डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन को ठीक होने में कम से कम भी 6-9 महीने लगते हैं अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हो, तो ये एपिसोड इतने पीरियड का ही रहता है। किसी को ऐसा होता है कि विंटर्स में डिप्रेशन होता है, किसी को समर्स में होता है, मोस्टली विंटर्स में होता है। विंटर्स में इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती है बॉडी को, तो इस कारण से भी कुछ लोगों को इस रीजन से ही डिप्रेशन हो जाता है, तो उनका भी ट्रीटमेंट चलता है। तो यार काफी सबका अलग अलग है, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि यार अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको ढंग से नींद नहीं आ रही है, रात को आप जाग रहे हो, या फिर आपको सुबह बहुत जल्दी एकदम जाग खुल जाती है, या आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो काफी सारे सिम्टम्स, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो यार आप जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ और अपने अपॉइंटमेंट लेके उसको क्योर करो जल्दी से जल्दी। तो यार इस वीडियो में इतना ही, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।